29 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपी बलात्कारी आरिफ, शिवा, नवीन और चिंता किंतु को अदालत ने चेरापल्ली जेल भेज दिया था सुरक्षा कारणों से, क्योंकि शहर में लोग गुस्से में थे। पुलिस को डर था कि थाने में रखकर पूछताछ की गई तो भीड़ थाने पर हमला कर चारों की जान ले सकती है। जेल में भी चारों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था ताकि दूसरे कैदी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। चेरापल्ली जेल में चारों को रहते अब 3 दिन बीत चुके थे। साइबराबाद पुलिस ने अदालत से चारों आरोपी बलात्कारियों पुलिस हिरासत की मांग की ताकि उनसे पूछताछ कर सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि डॉक्टर दिशा का मोबाइल, डेटा बैंक और घड़ी बरामद करनी है जो कि चारों आरोपियों ने कहीं फेंक दिया है। इसी के बाद अदालत चारों आरोपी बलात्कारियों को 10 दिन यानी 12 दिसंबर तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज देती है। हम लोग 30th को अरेस्ट करके चेरापल्ली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करके चेरापल्ली जेल को भेजे गए। बाद में हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई करने के बाद कस्टडी 10 डेज को मिला। अदालत से पुलिस रिमांड मिलने के बाद साइबराबाद पुलिस पहली बार चारों आरोपियों को जेल से बाहर निकालती है और पूछताछ के लिए शादनगर पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले 2 दिन तक शादनगर पुलिस स्टेशन में ही चारों से पूछताछ होती है। 4 तारीख को हम लोग इनका कस्टडी लिए गए, 4 और 5 उनको एग्जामिन करते हुए और इंट्रोगेशन करते हुए। साइबराबाद पुलिस की एक टीम रात को चारों आरोपियों को एक बस में बिठाती है। टीम में 10 पुलिस वाले थे। मंजिल थी चंदनपल्ली शमशाबाद, वही जगह जहां 27 नवंबर की रात डॉक्टर दिशा की स्कूटी के पंचर को ठीक करवाने के बहाने 4 लोगों ने डॉक्टर के साथ गैंगरेप करने के बाद उसे जलाकर मार डाला था। ये वही हाईवे है और ये वही टोल प्लाजा जहां 27 नवंबर की रात डॉक्टर दिशा की स्कूटी खड़ी थी जिसके टायर से आरोपियों ने जानबूझकर हवा निकाल दी थी और फिर इसी जगह से पंक्चर बनाने के नाम पर आरोपी डॉक्टर दिशा को अपने साथ ले गए थे। चारों आरोपियों को लेकर साइबराबाद पुलिस सबसे पहले इसी जगह आती है। रात तब भी यहाँ से गाड़ियों का गुजरना जारी था। पुलिस की टीम चारों आरोपियों से 27 नवंबर की पूरी कहानी समझना चाहती थी, उस जगह की तस्दीक करना चाहती थी जहाँ जहाँ से इस जुर्म की कड़ियाँ जुड़ती हैं, जहाँ जहाँ से सबूत मिलने वाले थे। टोल प्लाजा और पार्किंग के बाद पुलिस चारों आरोपियों को लेकर और आगे बढ़ती है। अगला पड़ाव चंदनपल्ली था, टोल प्लाजा से करीब 27 किलोमीटर दूर, वो जगह जहां चारों ने 27 और 28 नवंबर की रात डॉक्टर दिशा के साथ गैंगरेप किया था। आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने डॉक्टर दिशा का मोबाइल, घड़ी और डेटा बैग उसी जगह फेंक दिया था जहां पर उन्होंने डॉक्टर दिशा को जलाया था, यानी इस पुल के नीचे। कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद विक्टिम का सेल फोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए हम लोग, ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं, उसको हम लोग वहाँ पे हाई करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। ये पुल और इस पुलिये के नीचे की वो धुंधली तस्वीर पूरे देश के जहन में आज भी ताजी है। इसी पुल के नीचे 28 नवंबर की सुबह करीब 10 बजे डॉक्टर दिशा की लाश मिली थी, पूरी तरह से जली हुई। 8 दिन बाद ठीक उसी जगह पर साइबराबाद पुलिस की टीम डॉक्टर दिशा के उन चारों गुनहगारों को लेकर पहुंचती है। आरिफ, शिवा, नवीन और चिंता कुंतु 8 दिन बाद एक बार फिर वहीं खड़े थे जहाँ 8 दिन पहले उन्होंने अपने हाथों से डॉक्टर दिशा को जानवरों की तरह नोचने खसोटने के बाद पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था। चारों को इसी सफेद रंग की मिनी बस से यहाँ नीचे उतारा जाता है। चारों के हाथ खुले थे और इनके इर्द गिर्द था 10 हथियारबंद पुलिस वालों का सुरक्षा घेरा। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया था कि दिशा की हत्या करने के बाद आरोपी दिशा का मोबाइल और घड़ी छीन कर उसे मौकाए वारदात पर फेंक कर फरार हो गए थे। शायद यही वजह है कि आरोपियों को पुलिस मौकाए वारदात पर ले गई थी ताकि दिशा का मोबाइल और घड़ी बरामद किया जा सके, साथ ही साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जा सके। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस का हथियार छीना और भागने की कोशिश
करने लगे। साइबराबाद की पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। अब वो ठीक पुल के नीचे उस जगह पर थी जहां से डॉक्टर दिशा की जली हुई लाश 28 नवंबर की सुबह मिली थी। इस पुल के आसपास खुला मैदान, खेत और झाड़ियां हैं और दूर दूर तक सन्नाटा। आरोपियों ने 27 नवंबर की रात इसी सन्नाटे का फायदा उठाकर डॉक्टर दिशा की लाश यहाँ ठिकाने लगाई थी। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद अब साइबराबाद पुलिस चारों आरोपियों से उस जगह की शिनाख्त करने को कहती है जहां पर उन्होंने डॉक्टर दिशा का मोबाइल, डेटा बैंक और घड़ी फेंकी थी। थोड़ी देर तक तो चारों पुलिस वालों को उलझाते रहे और इसके बाद अचानक चार में से दो आरोपी मोहम्मद आरिफ और चिंता कुटा अचानक पुलिस वालों पर झपट पड़ते हैं। दोनों दो पुलिस वालों से उनका सरकारी पिस्टल छीन लेते हैं। स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया और हमारा जो दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। इसके बाद धक्का मुक्की के दौरान अब चारों आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के दौरान वो यहां पड़ी लकड़ी के डंडे और पत्थर से पुलिस वालों पर हमला करने लगते हैं, जबकि आरिफ और चिंता कुटा छीनी गई पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर देता है। पुलिस चेतावनी देती है मगर चेतावनी को नजरअंदाज कर वो फायरिंग करते हुए खेत और झाड़ियों की तरफ भागने लगते हैं। इसी के बाद पुलिस उन पर गोलियां चलाने शुरू कर देती है। तो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया, हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। थोड़ी देर बाद फायरिंग रुक जाती है। इसके बाद पुलिस नजदीक जाकर देखती है, आरिफ और चिंता कुटा के हाथ से छीनी गई पुलिस की पिस्टल बरामद हो जाती है, पर गोली लगने से तब तक दोनों दम तोड़ चुके थे। कुछ मीटर दूर शिवा और नवीन की भी लाश पड़ी थी। फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग, दो लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे। इस मुठभेड़ में साइबराबाद पुलिस टीम का एक एसआई और कांस्टेबल भी घायल होता है। हालांकि दोनों को गोली नहीं लगती बल्कि चोटें होती हैं। इस मामले में हमारा दो ऑफिसर्स भी, एक एसआई और एक कांस्टेबल भी, एसआई वेंकटेश्वर नंदीगामा पुलिस स्टेशन का और एक कांस्टेबल अरविंद गौड भी इंजर्ड हुआ। इन लोग दोनों को हम लोग लोकल हॉस्पिटल को चेकअप के लिए भेजे, बाद में उनका रेफरेंस के बाद हम लोग केयर हॉस्पिटल को एडमिट किए गए। इनकाउंटर के बाद चारों आरोपियों की लाशों को उसी जगह इकट्ठा कर रखा जाता है। बाद में बड़ी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंचती है। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी बुलाई जाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जांच पूरी होने के बाद दोपहर बाद चारों आरोपियों की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। चारों डेड बॉडीज यहां पड़ी हुई हैं। फॉरेंसिक की टीम है, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद यहां पर, साइबराबाद यहां पर हैं, उसके अलावा डीसीपी शमशाबाद यहां पर हैं। इन सारे जवानों को की जिम्मेदारी है कि किसी को आगे क्राइम सीन की तरफ जाने नहीं दिया जाए। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया गया है, फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए जा रहे हैं। किस परिस्थिति में ये इनकाउंटर हुआ उसकी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद लाशें आरोपियों के घर वालों को सौंप दी जाएगी। काफी गुस्सा और आक्रोश हैदराबाद के लोगों में था, देश के लोगों में था। और जब आज सुबह हमने यह खबर बताई कि इन सारे अपराधियों को, इन चारों अपराधियों को का इनकाउंटर कर दिया गया है, इनकी मौत हो चुकी है, तो काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, फूलों की वर्षा हो रही है पुलिस कर्मियों के ऊपर। इंस्टेंट जस्टिस जो है, जिसकी बात की जा रही थी, वो इनका कहना, इनका मानना है कि वो हुआ है। लेकिन इस दौरान हम ये भी बता दें कि हम अधिकारियों से इनकाउंटर के पूरे घटनाक्रम के ऊपर सवाल भी कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इनकाउंटर को लेके, उस गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। इनकाउंटर क्या, किस परिस्थितियों में हुआ, क्या परिस्थितियां थी, क्यों गोली चलानी पड़ी, उन सारे चीज़ों की पड़ताल की जाएगी। और अगर कहीं से भी कोई चूक है, कोई लापरवाही है, कोई खामी है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी तस्वीर, ऐसा मंजर, ऐसी खुशी, देश के इतिहास में किसी इनकाउंटर को लेकर ऐसा माहौल इससे पहले देश ने कभी नहीं देखा। हालांकि डॉक्टर दिशा के गुनहगारों को यही सजा
कानून के हिसाब से मिलती तो शायद देश ज्यादा खुश होता। खैर, एनकाउंटर की सच्चाई की जांच भी होगी और रिपोर्ट भी आ जाएगी, मगर उससे पहले यह जानना जरूरी है कि पिछले 10 दिनों में हुआ क्या था। साइबराबाद के शमशाबाद इलाके में स्टोल प्लाजा के करीब डॉक्टर दिशा को मदद के बहाने अगवा कर लिया गया, फिर उसी रात डॉक्टर के साथ गैंग रेप किया गया। सत्ताईस साल की वेटनरी डॉक्टर की लाश सुबह इस पुल के नीचे मिली। आरोपियों ने गैंगरेप के बाद लाश को पेट्रोल डालकर जला दिया था। गैंगरेप की खबर पहली बार इसी दिन देश को मिली और देश भर में गुस्सा धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले की छानबीन के बाद 20 से 26 साल की उम्र के चार लोगों को रेप और मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपियों की पहचान मोहम्मद आरिफ, शिवा, नवीन और कुंताकुटा के तौर पर हुई। पुलिस ने तमाम आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेजी से मुकदमा चलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालत के गठन की घोषणा की। पूछताछ के बाद पुलिस ने बताया कि पूरी प्लानिंग के तहत आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में कोताही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की। 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। साइबराबाद पुलिस ने अदालत से चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड मांगी। अदालत ने 12 दिसंबर तक के लिए आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजने का हुक्म सुनाया। पूरे देश में रेप के कड़े कानून की मांग उठी। इस दौरान चेल्लापल्ली जेल में बंद 4 आरोपियों में से एक चिंतुकुटा ने किडनी की बीमारी का इलाज कराने की मांग की। पुलिस रिमांड दिए जाने के 2 दिन बाद पहली बार साइबराबाद पुलिस चारों को पूछताछ के लिए जेल से निकालकर थाने ले गई। पूछताछ शुरू हुई। शादबाग थाने में आरोपियों से लगातार दूसरे दिन पूछताछ होती है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि डॉक्टर दिशा का मोबाइल डेटा बैंक और घड़ी उन्होंने उसी जगह फेंक दी थी जहां डॉक्टर की लाश फेंकी थी। साइबराबाद की पुलिस टीम केस से जुड़ी चीजों की तलाश में चारों आरोपियों को मौके वारदात पर लेकर पहुंचती है, जहां आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस का ही हथियार छीन कर उन पर गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और इस तरह मुठभेड़ में चारों आरोपी मारे गए। यानी 10 दिन में केस क्लोज।